हेलो दोस्तों, मदान बुटीक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने ऑर्गेन्जा कमीज़ की कटिंग बताई थी अस्तर वाले की, और आज की इस वीडियो में हम अस्तर को सेट करके दिखाएंगे और कमीज़ की स्टिचिंग दिखाएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, अस्तर सेट करने के लिए पहले हम ये कपड़ा बिछाएंगे इस पर। ये मैं स्पेशल इसी के लिए यूज करता हूँ, नहीं तो फिर वो फेविकोल इस पर हमारे कपड़े पर चिपक जाएगा। अब दोस्तों, पहले हम मेन फैब्रिक है इसको बिछा देंगे, उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे हम। अब हम अपना अस्तर लेंगे और उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर भी छा देंगे। ये हमारे कट है जो अस्तर वाले और ये फैब्रिक वाले, ये मिलने चाहिए यहाँ पर। अगर कपड़ा इधर है तो हम इसको सेंटर में कर लेंगे अस्तर को। अगर ऊपर है हमारा कपड़ा तो हम ऊपर नीचे से खींच कर इसको नीचे कर लेंगे। इसको बराबर करना ऊपर से भी मिला के। अब ऐसे बिछाने के बाद बिल्कुल, और इस हिस्से को हम पहले उठाएंगे, ऐसे रख देंगे। और फिर दोस्तों, ये फेविकोल की ट्यूब है, ये 10 रुपये की आती है, स्टेशनरी से मिल जाती है। इसको खोलेंगे और जो हमने ये कट लगाया था जहाँ से हमें ये अस्त्र मोड़ना है उससे 1.5 इंच ऊपर यहाँ पर ऐसे लगाएंगे हल्का हल्का। ये जो हमारा कपड़ा किनारी है इसके किनारी पर लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे लगाते चले जाएंगे ऊपर तक, यहाँ से लेकर फिर हम यहाँ तक लगाएंगे। अब इसको हम ऐसे रख देंगे और इस पर हम हाथ से इसको ऐसे हल्का हल्का दबा देंगे। ये हमारा एक साइड से चिपक गया है। अब इसको दूसरी साइड से ऐसे ही पलटेंगे और ये हमारा कट है जो लंबाई का, इससे 1 इंच ऊपर ऐसे लगाना शुरू करेंगे। हल्के हल्के लगाने, ज़्यादा नहीं लगाना। यहाँ से यहाँ तक। अब इसको फिर वापस से इसको हाथ से फिर चिपका देंगे। अब इस हिस्से को उठाएंगे हम ऊपर वाले को और यहाँ तक ऐसे रखेंगे, और इसके चारों तरफ भी जहाँ जहाँ से हमने कटिंग की थी वहाँ पर अस्तर चिपका देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये चारों तरफ हमने ये लगा दिया फेविकोल। अब इसको भी ऐसे रख कर और अच्छी तरह से ऐसे हाथ से प्रेस करेंगे, थोड़ा थोड़ा ये चिपक जाएगा अस्तर। ये दोस्तों साथ के साथ ही चिपक जाता है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखिए, इसको फिर हम ऐसे उठा देंगे जिससे कि हमारे नीचे वाले कपड़े से चिपका ना रहे। ये देखिए, ये हमारा चिपक गया है अच्छी तरह से। अब जो हमारा ये मेन फैब्रिक का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, हम इसकी कटिंग कर देंगे चारों तरफ से। ये देखिए, यहाँ से शुरू कर देंगे अस्तर के साथ साथ में बिल्कुल। यहाँ पे कट लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा अस्तर सेट हो गया कपड़े में। ये देखिए, अगर हम मैं ज़्यादातर 99% ऐसे ही अस्तर को चिपकाता हूँ। अब इसको उठा के रख देते हैं। अब मैं आपको एक बाजू की को और चिपका के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमने बाजू को रख दिया है। कपड़े को चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल देंगे। ये देखिए ऐसे। अब इसको आधे हिस्से को ऐसे रख देंगे अस्तर को, और इसके चारों तरफ में लगाएंगे हम फेविकोल।
इसको फिर हम वापस पलट देंगे। अब इसको दूसरे हिस्से को भी उठाएंगे और इसमें फेविकोल लगाकर वापस से चिपका देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल फिनिशिंग से ये हमारी अस्तर बाजू के भी सेट हो गया है। अब इसके एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे यहाँ से देखिए। तो दोस्तों अब हम बैक हिस्से को और दूसरी बाजू को भी चिपका लेते हैं। दोस्तों अस्तर चिपकाने के बाद ये हम अपना फ्रंट लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और इस पर थोड़ी सी क्रीज लगा देंगे जो कि हमारे सेंटर की क्रीज हो जाएगी। ये देखिए, अब हम यहाँ से 3.5 इंच है ये ब्रॉड इसकी, और यहाँ से भी 3 इंच लेंगे हम, 3.5 इंच, और इसको हम देखिए हल्का हल्का ऐसे गोलाई कर देंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से। ये देखिए, अब इसमें दोस्तों हम 3.5 इंच पे यहाँ पे कट लगाएंगे। उसके लिए ये हमने एक पट्टी ली है पेस्टिंग की, पेपर पेस्टिंग है ये हम कपड़े पे चिपकाएंगे। ये देखिए, इसको हम ऐसे फोल्ड करके और थोड़ा सा इसको तिरछा कटिंग कर देंगे। ये देखिए, अब इसको हम अस्तर पर चिपका लेंगे। इसको ये जो दाने वाली साइड है इसको नीचे की तरफ रखेंगे। और इसको ऐसे चिपका देंगे। अब यहाँ से बराबर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए अपनी पेस्टिंग के साथ में और इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से अब इसको हम पेस्टिंग के साथ साथ फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से कर देंगे दोनों तरफ से ऐसे, ये वही शेप आ जाएगी जो हमने पेस्टिंग में दी थी। ये देखिए, अब दोस्तों मशीन पर चलते हैं। तो दोस्तों पहले हम इस पट्टी पर सिलाई लगाएंगे कपड़ा जो हमने दोनों तरफ से। अब इसको देखिए ऐसे कर देंगे हम और इस पर नाखून से निशान लगा देंगे सेंटर के। अब हम अपना फ्रंट हिस्सा लेंगे और इसको सुलटी तरफ ऊपर रखेंगे और जितना हमें कट लगाना है उतना हम निशान लगाएंगे। 3.5 इंच का कट लगाना है तो यहाँ पर 3.5 इंच पर ऐसे निशान लगा देंगे। अब इसको देखिए, ये उल्टी साइड को ऊपर रखेंगे और सुलटी साइड से मिलाएंगे ऐसे। और ये जो हमारा, ये जो हमने अभी क्रीज डाली है वो, और जो हमारे फ्रंट की जो सेंटर है उसको मिलाते हुए बीचों बीच एक सिलाई लगाएंगे। अपने निशान तक लाएंगे जहाँ तक हमने वो निशान लगाया था 3.5 इंच पर। अब यहाँ पर हम धागे की कटिंग कर देंगे। अब दोस्तों देखिए, जो हमने ये सिलाई लगाई है इससे हमें एक सूत इधर और एक सूत इधर तक सिलाई लगानी है ऐसे। यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे, फिर इसको हम वापस घुमा देंगे। देखिए कैसे, अब यहाँ से ऐसे घुमाएंगे हल्की सी एक टाका ऐसे। अब इसको फिर हम एक टाका ऐसे घुमाएंगे। अब फिर हम दोबारा से इसको सीधा कर देंगे। देखिए दोस्तों, और दोस्तों अगर आप इसको कट को और ज़्यादा भी ले सकते हो, क्योंकि जिनका ये सूट है उन्होंने मेरे को सूट दिया था नाप के लिए, तो उसमें इतना ही कट था, उन्होंने बोला था कि इतना ही कट रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। तो आप इसको और ज़्यादा भी कर सकते हो,
और अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप यहाँ पे एक लूपी लगा के उसमें एक बटन लगा सकते हो, जिससे कि आपका ज़्यादा गला खुला हुआ नहीं दिखेगा। अब इसको हम बीच से कटिंग कर देंगे। और जो हमने लास्ट तक सिलाई लगाई थी वहाँ तक सिलाई से पहले ऐसे कट लगा देंगे, ऐसे इधर घुमा देंगे हल्का सा, ऐसे ही इधर। अब नाखून से हम इसको देखिए ऐसे प्रेस करेंगे, सीधा कर देंगे कपड़े को। अब इसको हम अंदर की तरफ पलट देंगे, ये देखिए। अब हम देखिए इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से हम घुमा देंगे, अब यहाँ से फिर दोबारा से सिलाई लगाते हुए ऊपर उतार देंगे मशीन को, धागे की कर देंगे कटिंग। अब जो हमारा ये कपड़ा है अब हम इसमें आराम से तुरपाई भी लगा सकते हैं। अगर आप इस पर कच्चा लगाना चाहते हो तो कच्चा लगा सकते हो, कच्चा लगा देता हूँ मैं। ये हमारा फ्रंट का गला बन गया है। अब हम बैक हिस्से को लेंगे दोस्तों। ये हमारा बैक हिस्सा है। अब अपने फ्रंट वाले एक हिस्से को लेंगे हम कंधी को, और इसको कंधी से मिलाते हुए देखिए ये हम इसको नाप के देखेंगे ये हमारा कहाँ आएगा। ये हमारा वही कट पर आ रहा है। तो अब यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, हमें बैक को थोड़ा सा छाटना होता है। यहाँ पर हम 1.25 इंच के करीब ऐसे निशान लगाएंगे और इसको हल्का हल्का घुमाते घुमाते यहाँ तक मिलाते चले जाएंगे। ये हमारी बैक छट जाएगी। अब इसको पलट देंगे हम। उससे पहले दोस्तों हम नीचे से अस्तर को फोल्ड करेंगे। ये देखिए हम इसको इतना लेंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे निशान तक। ये देखिए दोस्तों अब हम इसको घेरे को ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए अपने कपड़े के अकॉर्डिंग आप उसको, जैसे ज़्यादा कपड़ा तो ज़्यादा, कम है तो उसके हिसाब से फोल्ड कर देंगे। ये हमारा गियर भी फोल्ड हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ये अस्तर उठा हुआ है तो उसके लिए हम देखिए इसके किनारे पर सिलाई लगा देंगे, जिससे कि ये अटैच हो जाएगा। ये देखिए ऐसे। अब दूसरी साइड भी ऐसे ही कर देंगे। जी दोस्तों अब दोस्तों दूसरे हिस्से को भी हम ऐसे ही फोल्ड कर लेते। अब दोस्तों हम अपने बैक वाले हिस्से को यहाँ पे ऐसे रखेंगे देखिए, और फ्रंट वाले हिस्से को इसके ऊपर रखेंगे और इस पर कंधी को जोड़ेंगे हम। देखिए बराबर से दबाव लेते हुए दोस्तों इंटरलॉक मारने के बाद ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम बैक साइड में करके और इस पर किनारे की सिलाई लगा देंगे ऊपर कंधी पर। अब दोस्तों इसको नापेंगे हम देखिए, ये हमारा 15 इंच आ रहा है। 15 इंच एक सूत ज़्यादा है, 15.25 इंच है। तो इसके लिए हम कॉलर काटेंगे 15 इंच, 15.25 इंच का।
उससे पहले इसको हम बराबर कर लेते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एक पट्टी ली है, ये 3.5 इंच चौड़ी है और ये 16.5 इंच की लंबी है। इसको हम देखिए ऐसे कर देंगे, फोल्ड कर देंगे और 15.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे, 15.25 इंच पर ऐसे, और एक निशान यहाँ पे लाएंगे ऐसे। अब इन निशानों को मिलाएंगे, देखिए अब हम सेब फट्टी लेंगे और देखिए इसको हम ऐसे रखते हुए यहाँ से 1.25 इंच के करीब लेंगे और यहाँ से ऊपर से मिला देंगे इसको, ये देखिए ऐसे। अब यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम नीचे ही रखेंगे। अब देखिए इस यहाँ से हम इसको निशान को ऐसे मिलाते हुए और यहाँ पे मिला देंगे। अब इसकी कटिंग करते हैं, पहले हम यहाँ से करेंगे, अब यहाँ से देखिए जो हमने ये निशान लाया था उससे हमने यहाँ से कटिंग करनी है, थोड़ा हाथ अच्छा जो कलर की तरह लगे, ये देखिए। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे और इसको बढ़ाते चले जाएंगे, और यहाँ मिलाकर इसको छोड़ देंगे। ये देखिए अब ये हमारा कॉलर जब हमारा बन जाएगा तो ये इसको ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ पे, और ये देखिए ऐसे ये हमारा कॉलर ऐसे आएगा। तो पहले दोस्तों हम इसको चिपका लेते हैं कपड़े। तो दोस्तों ये हमने पेस्टिंग को चिपका लिया कपड़े पर और ये हमने इसके नीचे से इसको फोल्ड भी कर दिया है एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे एक पैर की, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। अब ये हम एक कपड़ा ओढ़ लेंगे और इस पर रख देंगे, देखिए। अब दोस्तों जो है हमारा ये नीचे से कॉलर है, ये जो इसका एंड है, यहाँ से हम एक सूत से ऊपर हम सिलाई शुरू करेंगे। अब यहाँ से हम घुमा देंगे सिलाई और इसके पेस्टिंग के साथ साथ में चलाएंगे सिलाई। अब यहाँ से हम नोक पर से इसको फिर घुमा देंगे ऐसे। अब यहाँ से फिर ये कॉलर ख़त्म होने से एक सूत पहले पक्का कर देंगे, धागे की कर देंगे कटिंग। अब हम यहाँ पे दबाव छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। देखिए अब यहाँ से हम देखिए जो ये हमने हमारा नीचे वाला है जहाँ से हमारा कॉलर है इसके साथ में हम दबाव छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की भी कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमने इतना एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे छोड़ा है, अब हम इसको पलटेंगे। कैंची से हम इसकी नोक निकाल देंगे, ये देखिए
अब दूसरी साइड से भी कैची से फिर इसकी नोक निकाल देंगे यहाँ पे, देखो। अब नाखून से हम इसको कपड़े को सीधा कर देंगे। अब दोस्तों देखिए, जो हमने ये एक पैर की सिलाई लगाई थी, हमें यहाँ से सिलाई शुरू करनी है एक पैर की, और इसके साथ साथ में हम सिलाई लगाते जाएंगे। और यहाँ पे पक्का कर देंगे। अब इसको हम ऐसे मिलाते हुए इसका सेंटर में एक कट लगा देंगे कॉलर के। अब दोस्तों हम अपने फ्रंट वाले हिस्से को लेंगे और इसको इसमें भी एक कट लगा देंगे सेंटर में, देखिए। अब दोस्तों देखिए, हम इसको ऐसे रखेंगे कपड़े को, और जो ये वाला है हिस्सा, हम इसको हल्का सा उठाएंगे ऐसे, और यहाँ से इसको मिलाते हुए पक्का करेंगे पहले यहाँ पे। अब इसको चढ़ाएंगे, देखिए। उससे पहले हम एक बार इसको मिला लेंगे कट को कॉलर के और इसके अपने सूट के। अब हमें ये हिस्सा उठाना है और नीचे वाला जो कपड़ा है उस पर हमें सिलाई लगाना है, देखिए। ऐसे मिलाते जाएंगे। ये हमारा देखिए कट भी मिल गया। ये देखिए धागे की कर देंगे कटिंग। अब इसको निकाल लेंगे यहाँ से। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम अंदर की तरफ करेंगे कॉलर के अंदर, और ये कॉलर का निचला हिस्सा है इसको हम इस सिलाई पर रख देंगे ऐसे, और अब इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। और इसको ऐसे रखते हुए किनारे की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इसको अंदर की तरफ रखेंगे। यहाँ पे पक्का करेंगे। अब इसको देखिए ऐसे घुमाएंगे, और वहाँ से मिलाते हुए हम इसके सेंटर में से सिलाई लगाते जाएंगे, ये देखिए ऐसे। अब यहाँ से हम यहाँ पे मिलाते जाएंगे ऐसे तिरछी तिरछी, थोड़ी थोड़ी इसको डाउन करते जाएंगे, देखिए ऐसे, और यहाँ पे पक्का कर देंगे, मशीन से उतार देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा गला बनकर तैयार है, ये देखिए। यहाँ पर धागों की सफाई कर देंगे अच्छी तरह से। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमने सिलाई लगाई थी इस पर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे सिलाई के साथ साथ में ऐसे, ये देखिए। ये हमारा कॉलर का गला बनकर रेडी है। अब दोस्तों, गला बनने के बाद हम इसको फिटिंग लगा देंगे यहाँ से। दोनों साइज से फिटिंग लगा देंगे इसकी अच्छी तरह से। फिटिंग लगाने के बाद फिर यहाँ पे हम पट्टी लगा देंगे, जो कि मैंने कई वीडियो में दिखाया भी है, और मैंने कमीज की स्टिचिंग दिखा रखी है। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, उसको देख लेना।
तो मैं ये फिटिंग लगा के और ये पट्टी लगा के फिर मैं इसके गियर को फोल्ड चोक को फोल्ड करना बताता हूँ आपको। दोस्तों फिटिंग लगाने के बाद हम इसके चोक को फोल्ड करेंगे। देखिए पहले हम यहाँ पर इसको रखेंगे ऐसे और इनको दोनों फ्रंट और बैक को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से देखिए इसको नापेंगे हम, ये कितना हमारा 1.5 इंच एक सूत पर है, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच एक सूत पर ऐसे निशान लगा देंगे। दूसरी साइड भी ऐसे ही निशान लगा देंगे। अब यहाँ दूसरी साइड में भी ऐसे ही और दूसरी साइड में भी ऐसे ही लगा देंगे। अब देखिए इसको हम ऐसे रखेंगे यहाँ पे। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे निशान के बराबर। और यहाँ पे 25 सिलाई लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे बिल्कुल बराबर। अब यहाँ से हम चौक पर से पकड़ेंगे देखिए यहाँ से पकड़कर और ऐसे चला लगाएंगे। अब इसको यहाँ से घुमा देंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे घुमा देंगे। देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे हम। अब यहाँ से नीचे से इसको पकड़ लेंगे ऐसे और जो हमने निशान लगाए थे उन निशान पर से ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमारा चाक बिल्कुल सीधा है यहाँ से भी। अब दोस्तों ऐसे ही हम दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों ये दोनों साइड से हमने फोल्ड कर दिया चाक को। अब दोस्तों हम इसकी बाजू चढ़ा देंगे। बाजू चढ़ाने के बाद हमारा कमीज रेडी है। तुरपाई होने के बाद इसको अच्छी तरह से प्रेस करके ये तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करें, जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।